सलाम नमस्ते एंड प्यार भरी सत श्री अकाल, आप लोग सब कैसे हो। हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बज रहे हैं 10, अभी लवी रेडी हो रहा है और जाने वाला है एयरपोर्ट। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा सफाई करने में लगी हूँ, मतलब मैं नहीं, मैं सलमा की वेट कर रही हूँ। बस सलमा आती ही होगी 5-10 मिनट में। मैंने रखा है गैस पे चाय, जब लवी रेडी होके आ जाएगा तो फिर हम दोनों चाय पी लेंगे। वो निकल जाएगा एयरपोर्ट, थोड़ा सा लेट है, चलो कोई बात नहीं, टाइम पे पहुंच जाएगा। और दूसरी बात ये, मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया था ब्रेड पकौड़ा, और मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस टाइम मुझे इतनी जल्दी थी, आप समझ सकते हो। तो फिर उस टाइम मोबाइल पकड़ने का भी टाइम नहीं था, और लवी कर रहा था, मतलब जैसे बेडशीट वगैरह चेंज कर रहा था, वो भी बिजी था, मैं भी बिजी थी गाइज। और ये लवी ने बांधा है गठरी, ये सामान है, ये हमारे सूट और ये सब कुर्ता वुर्ता है जो हमें पहनना है। तो गाइज लवी चल जा चुका है एयरपोर्ट और मैं और सलमा घर पे हैं। तो हम लोग गाना बहुत ज़्यादा लाउड बजा रहे हैं, ये है कपड़े रखने वाले, वो है कपड़े तय करने वाले। तो मैं और सलमा ही हैं घर पे और हम दोनों काम कर रहे हैं, वो बर्तन धो रही है अभी फिलहाल, मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, मैं जल्दी से कपड़े टांग लेती हूँ ऊपर। आए मेरा भांजा भाई, आए आए, आधी नानी नहीं छड़ आया। चलो आ जाओ। आज मैंने बनाया है ये देखिए पालक पनीर, ये देखिए आप देख सकते हो पनीर, ये पालक पनीर है। ये मैंने बनाया है बीन्स की सब्जी ड्राई, और ये बनाया मैंने रायता। गाइस आज लंच में है पालक पनीर, बीन्स, रायता, पापड़ एंड रोटी, बस ये है। तो अभी मैं फटाक से मैं रेडी होती हूँ क्योंकि लवी का फ़ोन आ गया है, अभी वो गाड़ी में बैठ चुके हैं और वो निकलने वाले हैं वहाँ से एयरपोर्ट से। तो मैं फटाक से नहा लेती हूँ, ठीक है गाइस, आपको मिलते हैं बाद में। तो गाइस मैं नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ, और आप लोगों को तो पता लग ही गया होगा कि कौन आया है, अभी लवी का फ़ोन आया, बस वो आने ही वाले हैं और मैं वेट कर रही हूँ। तो यार गाइस देखो, आप लोग प्लीज़ ये कमेंट बिल्कुल भी मत करना कि सिर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया, सिंदूर क्यों नहीं लगाया, और ये सब। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, मुझे अपने धर्म का भी पालन करना है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर धर्म को रिस्पेक्ट करती हूँ, हर धर्म को प्यार करती हूँ मैं, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है, और आप लोगों को पता ही है, फैन ऑफ करते। आपने मेरे वाले बर्थडे पे देखा ही होगा कि हम लोग सब किस तरह से हैं, फॉर्मेलिटी तो बिल्कुल भी नहीं करते कि नहीं दुपट्टा लेना पड़ेगा सिर पे, सासू माँ के सामने जाओ तो यू नो मतलब मांग भरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत ही ज़्यादा इसी तरह से रहते आए हैं 14 साल, ठीक है, और हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और पंजाबी फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो बस ये है कि बहुत सारे कमेंट आएंगे कि आपने ये नहीं पहना, सिंदूर नहीं लगाया, दुपट्टा नहीं लिया, तो इस वजह से मैं पहले ही बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस जब तक वो आ रहे, मैंने सोचा मैं पीठ सीधी कर लूँ, तो मैं थोड़ी सी लेटी हुई हूँ, बस आते ही होंगे, खुशी तो है ही, पता नहीं कब तक आएंगे यार, काफी टाइम हो चुका है, मैं वेट कर रही हूँ। गाइस बस वो पहुँचने ही वाले हैं, और लवी ने मुझे फोन करके बोल दिया कि वो बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए मैंने रख दिया है, लवी का कहना है पानी रख दिया क्या क्या चाय। तो अभी तो फिलहाल सच्ची में चाय बना ही रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो उससे पहले मैं आप लोगों को मैं व्लॉग बना लूँ, चाय बनाने वाली हूँ। तो बस मैंने फोन भी चार्ज पे रखा हुआ है क्योंकि उसका बैटरी लो है। तो चली गई, चलो मम्मी ये मेरी मम्मी है, आप लोगों ने पहले भी देखा है, और ये है मेरी बहन का बेटा, भांजा है मेरा, जो अपनी नानी को छोड़ने आया है, और इसने मेरा दिल तोड़ दिया, कहता है आज मेरी रिटर्न इसकी टिकट, इसने मुझे बताया नहीं था। दीदी भी नहीं आई, वो उसको भी कहते हैं, उसको भी काम है, जीजू थोड़े तबीयत ठीक नहीं थी, उनको छुट्टी नहीं ना मिल रही ऑफिस से, इसलिए। तो ये देख लो भाई, ये मेरी छोटी सी फैमिली है, आज आए हैं,
मैं फ्रेम में आ रही हूँ कि नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो अभी तो हम चाय पी रहे हैं, फिर हम बाद में मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है? लव यू ऑल, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी तो गलत पे इतना ही बहुत है। अरे वो बेचारा कब से। अच्छा फोटो में लगे, फोटो में फोटो नहीं है। चलो बाय, है ना? ओके टेक केयर, सी यू, बाय। चपला पाओ ना, चलो 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 अजय आपने मम्मी क्यों? अच्छा मम्मी को जेनू के पास छोड़ के वो मैं क्या बातें कर लूँ, तो थोड़ा सा सामान लेना था, वो अभी कह रहे हैं थोड़ा टाइम के बाद मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मेरा भांजा तो चला गया क्योंकि उसका यार इसकी है पढ़ाई, तो एग्ज़ाम है उसका दिल्ली में परसों, तो उसको मैंने कहा भैया रुक जाए, तो कह रहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, वो अपनी नानी को छोड़ के चला गया, वो अपने टाइम पे पहुंच जाएगा चंडीगढ़। मम्मी आ गई, बहुत है मम्मी, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई यार मेरी, और भी कहते ना कमज़ोर हो गई। सिस्टर है उनकी, मैरिज हो गई, मेरा भाई है, वो ठीक ठाक ही, आपको पता ही है, तो वो बातें करूँगा बाद में आपसे। हो जाएगी मम्मी यहाँ पे अच्छे से, टाइम से खाना पीना टाइम पे खाएगी तो सही हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। बाकी ठीक है, चलता हूँ फिर, मिलता हूँ आपको घर पे। तो ये हमारी बिल्डिंग में भी लग गया है, ये इनकी डेकोरेट है, अभी आए नहीं है। पप्पा नहीं आए अभी, कब आएंगे? शाम में नहीं, मैं कुछ पता नहीं, पैसे ही पाए सीगे, मैं कहता हूँ मैं की कर लेंगे। ये देख लो भैया, ये लिट्टी पड़ी है यहाँ पे सास के पास, मम्मी मेरी बात जारी आई है, कहती मिठाई का एयरपोर्ट में मिठाई का डिब्बा ढूंढ रही थी मम्मी। अंडे चक्की फिर आए मम्मी लैमा ला तू ना शगन कहती है, शगन फिर हाथ दे सिर से खिची कर ले जा, कमजोर होगी मेरी आवाज इन शगन मिला और क्या लेके आई तेरी साथ। ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਗੁੰਮੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਿਨ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬਸ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਬਾਣੇ ਸਕ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਡੈਡ ਹੈ, ਸਲੀਮ ਖਾਨ। सलाम है, हमारी माँ ने हमें शगन दिया, कभी एयरपोर्ट पे कुछ मिला नहीं तो मैं शगन दे रही है। ए ले ऐसी की कर ले, गुल्ले करके ले लो, ओए गए गुल्ले करके ले लो, नहीं दिया दो दो यार बोलेंगे दो दो हजार हजार दिए। चलो ठीक है, वो मतलब मोटर वाला उसको नहीं पता है, उसको अभी आया वो गांव से, उसको कुछ नहीं पता है हम, इसलिए तो ये मेरी जेनू चाय बनाते हुए फिर से दोबारा, आज तो पूरी बैंड बजी पड़ी है जेनू की, जेनू आज तो मेरी भी बैंड बज गई। आपको फनी बात बताऊंगा, मैं ना जे के बिना बिल्कुल बोंदल जाता हूँ भाई, ये पार्किंग में तीन बार घुसा हुआ थी बार बार, फिर आया फिर अंदर। अरे मैं तीन बार एक ही जगह पे, पता आपको मतलब समझ लो मैं दस दस किलोमीटर फिर गया, दस किलोमीटर फिर आया, दस किलोमीटर फिर गया, मतलब तीस किलोमीटर मैं गाड़ी घुमाता रहा एक ही जगह पे, मैं इतना कन्फ्यूज हो गया, और क्योंकि मेरा मोबाइल मैप मुझे गूगल मैप में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो उधर ही घुमाया जा रहा, उधर ही घुमाया जा रहा है मुझे। वो फिर मैंने कहा जेनू को, मैंने फोन किया जेनू मैं बोंदर गया, तो जेनू ने कहा किसी को पूछ ले लवी, तब मेरे दिमाग में आगा अरे हाँ मैं सच में पूछना ही भूल गया किसी को, वो तो भी नहीं, हर चीज के लिए मेरे को फोन करना। अरे तेरे बिना मैंने जीना सीखा ही नहीं है जेनू, मुझे आता ही नहीं है तेरे बिना जीना सीखना, मुझे सीखना भी नहीं है तेरे बिना। तू तेरी सास आ गई, खुश है मेरा पुत्र, थोड़ा सा शर्म कर ले, शर्म किस बात की भाई, जब भागे थे तब शर्म नहीं करी, अब तो 13 साल हो गए साथ में, आपका एक ही शर्म तो सो वाट। मेरी मम्मी बहुत फ्रैंक है, तुझे पता तो है,
वो तेरा सिम है? सिम कैसा है? तो कुछ भी बोलती है तू यार। मुझे ना आप लोगों से एक बार बोलना था, ठीक है? बाकी तो वैसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग जाता है तभी मैं थोड़ा सा मुझे हो रहा है तब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप एक बात ध्यान से सुनिएगा और अपने कानों में घुसेड़ लीजिए, मैं सीधी सी बात है। मैं हूँ जट फैमिली से, ठीक है, और जेनू है कृष्ण फैमिली से। उसने मेरे धर्म की बहुत ज़्यादा इज्जत करती आ रही है इतने सालों में, जो अभी आप लोग तो अभी देख रहे हो, मैं फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं पता है, तो आप अभी देख रहे हो, तो हम 13 साल से साथ में हैं, तो वो मेरे धर्म की इज्जत करते हुए आ रही है और मैं भी उसके धर्म की बहुत इज्जत करता हूँ। तो और वैसे भी हमारे में जट फैमिली में जो भी बहुएँ होते हैं वो संदूर वगैरह नहीं भरती, वो मतलब करवा चौथ पे मेन मेन चीज़ों पे करवा चौथ पे भरी जाती हैं हमारे पंजाबियों में। आप पंजाबी अगर जट फैमिली जब प्योर जट होंगे उन्हें नूँह के सिर कदे भी देख लो संदूर नहीं लगाते हैं, ठीक है। हमारे में जब कोई शादी होती है, जब कोई त्यौहार होता है, दिवाली होती है, कोई भी सुखनी साहब जी का हम पाठ कराते हैं, तो हमारे में या शादियों में कुछ भी ऐसा वो एक बड़ा सा टीका लगता है, ठीक है। आप पंजाब का कल्चर आप वीडियोस देख सकते हो कि वहाँ की औरतें हो जो पंजाबी औरतें होती हैं नहीं दुल्हन होती है या काफ़ी साल भी हो जाते वो कैसी होती हैं और त्यौहारों में उनका फैशन क्या होता है या कैसा होता है, ठीक है। तो वो टीका लगाते हैं, इधर बड़ा सा एक टीका होता है हमारे, ऐसा लगता है शादीशुदा औरत का, ठीक है। तो हमारे में संदूर नहीं लगाते हैं। और ये भी है कि एक बात और, कुछ शायद आजकल चेंज हो गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बचपन से यही, मैं अपनी मम्मी को भी देखता आ रहा हूँ, मैं अपनी बहन को भी देखता आ रहा हूँ, मेरी बहन ने कभी संदूर नहीं लगाते, हमारे जट फैमिली में तो नहीं लगाते हैं मैं कह नहीं सकता, पर जट जो प्योर जट हो उनकी बहुएं संदूर नहीं लगाती हैं, ना ही मंगलसूत्र पहनती हैं, बस हमारे में ऐसे सिंपल होती हैं जैसे बहुएं होती हैं। शायद जो गांव में रहते हैं, पिंडों में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, उनको पता होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। हमारे करवा चौथ पे, दिवाली पे या शादीशुदी पे ही अगर किसी को शौक है तो लगा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी मर्जी है, बट हमारे में मैंने आज तक देखा नहीं है, नहीं लगाते। त्योहारों पे लगाया जाता है, ऐसे करवा चौथ पे उस पे लगाया जाता है, ठीक है। और वैसे भी अभी मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी जिनू अपने धर्म को छोड़ के मेरे धर्म को अपनाए, वो मेरे धर्म की इज्जत करती है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के लिए शायद नहीं होगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक क्रिश्चियन होकर जो लड़की जीसस को मानती है, मदर मैरी को मानती है, वो मेरे पंजाबी धर्म को, मेरे सिख धर्म को अपनाया उसने। हम किसी भी धर्म को, हम दोनों में हर किसी धर्म को दोनों मानते हैं, तो हिंदू धर्म को भी उसने अपनाया, इतना बड़ा वो इज्जत देती है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसका भी मन है कि वो हर भगवान को इज्जत दे, वो खुद भी देती, सबको इज्जत देती है, सब भगवानों की इज्जत करती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके भगवान की, उसके गॉड की इज्जत करें, ठीक है ना। हम धर्मों के बीच में ना ही कभी पड़े हैं, ना ही हम सोचते हैं ऐसे, एक ही भगवान है, बस रूप ही अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसा कभी मत बोलना, मैं सीधी सी बात है, मैं जे के खिलाफ़ एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ, ठीक है। जो आप लोगों को कुछ पता नहीं है तो आप प्लीज़ उस चीज़ के लिए मत बोलिए। जब कोई भी हमें बात होगी हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर देंगे, लेकिन आप ऐसी कोई भी चीज़ मत बोलिए जो मुझे सच्ची में, मैं जे के खिलाफ या जे के को हर्ट करने वाली कोई बात कमेंट्स आता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे पता वो कैसी है, आप लोगों को सिर्फ उसने आप सिर्फ आप देखते हैं उसको, मैं मुझे पता वो, मैं उठता हूँ बैठता हूँ, मुझे पता है वो कैसी है, ठीक है। तो मुझे पसंद नहीं है वो संदूर वगैरह लगाए, वो मंगलसूत्र पहने, हाँ त्यौहार पे ठीक है पहनती है, बस ठीक है, ओके। मुझे यही कहना था, तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं है उसको कुछ बोलने की कि आप संदूर क्यों नहीं लगाती, आप बिंदी क्यों नहीं लगाती। बस एक बात याद रखने, अगर चाहे संदूर भी लगाया, बिंदी भी लगाया, करवा चौथ का वो मंगलसूत्र भी पहना, फिर भी रिश्ते टूट जाते हैं ना, दिल में अगर प्यार ही नहीं है तो ये मंगलसूत्र और संदूर लगाने के, ये फॉर्मेलिटियाँ करने की क्या ज़रूरत है किसी को, ठीक है ना। जिसको जिसकी श्रद्धा है वो ऐसा ही करता है, जिसको अच्छा लगता है वो लगाता है, जिसको नहीं लगाना तो नहीं लगाना। मेरी हमारे जट फैमिली में तो संदूर नहीं लगाते, लड़की संदूर, बहुएं संदूर, मंगलसूत्र हमारी जट फैमिली में नहीं पहनते हैं, ठीक है, त्यौहार पे पहनते हैं, ओके। बिंदी शिंदी ये चूड़ियाँ, हरियाँ चूड़ियाँ, रेड चूड़ियाँ ये नहीं पहनते हैं, जट फैमिली नहीं पहनती है।
सरदारा दिन नुहां, अगर आप लोगों को पता होगा पंजाबी की नुहें सिर्फ गोल्ड पहनती हैं, गोल्ड की चूड़ियाँ पहनती हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ गोल्ड की चूड़ियाँ पहनती हैं, वो हरी चूड़ियाँ, ये त्यौहार वो हमें नहीं पता, जो हमारे सिख धर्म में जो भी हमारे त्यौहार आते हैं वो मनाती है। यही चीज़ मुझे कहना था कि जेनू को वैसे कोई भी रिमांड्स करने की जरूरत नहीं है कि आप बिंदी क्यों नहीं लगाती, आप मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनती, आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती। मुझे पता है मेरी जेब मुझे अच्छी लगती है इसी तरह से। आज के बाद ऐसा कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को, प्लीज़। फिर मत बना लवी भाई आप, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे वैसे ही बोल रहे थे, मुझे पसंद ही नहीं है। आजा, ठीक है। तो वो बात मत कीजिए जो आपको पता नहीं है, ठीक है। आपने वो छोटी मोटी बात आप बोल देते हो, हम इग्नोर कर देते हैं। बार बार मैं काफ़ी बार रिकमेंड पढ़ चुका हूँ कि आप सिंदूर लगाइए, मंगलसूत्र पहनिए। इससे क्या साबित करना, ठप्पा लगा के? हाँ ठीक है, जिसको करना करे, अगर आपके सामने ढोंग करते तो अच्छा लगता, ढोंग हमने कहीं किया नहीं। जैसे हम हैं वैसे आपके सामने पेश आए हैं, जैसे हम पर्सनल लाइफ में अपनी अपनी लाइफ में हम जैसे थे जैसे हैं वैसे ही आपके सामने पेश आए हैं। हमने कभी ढोंग नहीं किया, कभी आपको वो जो जैसे लोग ढोंग करते फिरते, हम ढोंग नहीं करते। जैसे हैं आप लोग खुद कमेंट्स करते हो कि आप जो भी करते हो रियल करते हो, सच बोलते हो झूठ नहीं बोलते, हम आपको सच बोल रहा हूँ, ठीक है। हम आपके साथ ढोंग कर नहीं सकते, ढोंग करने में हम भी कर लेते हैं। हाँ वो टीका लगा रही है, सिंदूर पहन रही है, चूड़ियाँ पहन रही है, अपने आप को बहू दिखा रही है, ये सब बकवास की बातें हैं, ठीक है। ये करने से ढोंग लगता, ठीक है ना। जो धर्म है उसका, वो अपने धर्म की इज्जत करते हैं, मैं भी उसके धर्म की बहुत इज्जत करता हूँ, वो मेरे धर्म की इज्जत करते हैं, मैं उसके धर्म की बहुत इज्जत करता हूँ। तो आप पहले सर्च किए, जिन्होंने ये कमेंट किया मैं उनको बोल रहा हूँ, बाकी लोगों को नहीं बोल रहा क्योंकि आज तक किसी ने बोला नहीं है। जो किसी ने भी कमेंट्स ऐसे करते हैं मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप पहले पंजाबी कल्चर का आप गूगल कीजिए और देखिए वहाँ की बहुएँ उनकी जो उनका सजावट होती है वो क्या क्या पहनती है। हमारे में टीका, कंगन, मोटे मोटे चूड़ियाँ, गोल्ड की चूड़ियाँ, हार वगैरह, सेट वगैरह, नेकलेस, बड़े बड़े झुमके वो पहनते, ओके। बस यही कहना था, आगे से ऐसा कमेंट्स मत करिएगा प्लीज़। आपको हम प्यार देते हैं, आप प्यार दीजिए। आपको लगा तो आपने पूछ लिया, तो मैंने आपको अभी कमेंट्स के, आपने कमेंट्स किया, मैंने आपको वीडियो के राही बता दिया, तो आगे से ऐसा कमेंट मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता। गाइस मैं ना कल जो फाउंटेन हमारा था ना, जो पानी वाला, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी उसमें, तो थोड़ा सा लीकेज हो रहा था। तो देखो ऐसे ना कहीं ना कहीं ना प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो सब कुछ देखो, पहले तो मैं मम्मी को लेने गया, फिर घर पे आया, नाश्ता किया, सब जेनू भी बराबरी थकी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैंने इनको बोला कि पेट्रोल इसको ऑटो में भेज दो, कह रहे उनको पता नहीं है। अब जब मैं आया तो 100 रुपया दिया, तो फिर फट से बैठ गया। देखो ऐसी भी दुनिया है, चलो कोई बात नहीं, कह रहा मैं नया हूँ गाँव का, पता नहीं है उसको। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैंने ऑटो वाले को एड्रेस समझाया, मैंने उनको बोला भी था कि आप बता दो ऑटो वाले को, मेरी बात करवा देना। अब मैं जब आया तब ऑटो करवा के दिया उसको, अब वो पहुँचेगा घर, तो मुझे भी पहुँचना है घर। वो फाउंटेन थोड़ा ठीक करवाना यार, कल शायद उसने बिजली वाले ने कोई काम किया ना, तो हिलहल गया होगा, तो देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है ना। कल टाइम भी नहीं होगा ना, इसीलिए मैंने कहा चलो आज ही करवा लेते सारा काम। चलो फिर पहले ये काम कर लूँ, फिर उसके बाद मार्केट आना पड़ेगा। मैं आता हूँ कि जे आती है मेरे साथ, चलो फिर पूरी भागन दौड़ जिंदगी। मैं तो आ गया था घर पे, वो मुझे मैंने बंदा आया था, वो मैंने फाउंटेन भी ठीक करा दिया। देखो मैं कितना बीबा बच्चा हूँ, कितना सयाना बच्चा हूँ, सारा काम करवा दिया, थैंक गॉड, वो भी ठीक हो गया, टच वुड। कहते ना नीयत अच्छी होनी चाहिए तो सब सही हो जाता है, ठीक है। अब बिजली वाले थोड़ा सा उसका पंप को हिला गए थे, वो ठीक हो गया, थोड़ी सी मामूली सी बात थी तो ठीक है। वो आया मैंने उसको दे दिया, मैं कह ले भैया 200 रुपये ले जा, तू इतनी गर्मी में आया, यही दिन है उनके भी कमाने के, है ना, दिहाड़ी में। तो फिर भी चल उसका बनता नहीं था, फिर भी मैंने कहा चल ले ले कोई बात नहीं। तो हाँ अभी वो दोनों बैठी हुई हैं अंदर, मेरी मम्मी और जेनू बैठे हुए हैं अंदर, और मैं उनके लिए बना रहा हूँ चाय मेरे प्यापी से। मैंने कहा चले आप लोग बातें करो, हमेशा जेनू ऐसा थोड़ी कि जेनू मैं बैठा हूँ अपनी माँ के पास, जेनू लेके आई चाय, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं जेनू बैठे मम्मी के पास और मैं चाय दूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अभी मैं जेनू को अपनी को चाय और मम्मी को चाय देता हूँ, मैं भी पीऊँगा चाय। तो आई सभी 5:30 बजे का टाइम हो गया, थोड़ी चीज़ें रह गई हैं वो हम मैं ले आऊँगा, अगर जेनू का मूड हुआ तो मेरे साथ चल पड़ेगी। मम्मी तो सो ही जाती है, उसको तो नींद आती है, थोड़ा नींद सो गई थी मम्मी, मम्मी को और रेस्ट चाहिए। अंडरस्टैंड मी, आप अंडरस्टैंड करो इस बात को कि थक
थक जाता है यार इंसान, है ना। तो ये चीज है, मैंने बताया था है? उससे दिखाया नहीं था, नहीं थे नहीं अभी। अच्छा, इस पे लेके आएंगे गणपति बप्पा को आज। तो गाइज अभी हम बाहर आए, मतलब जो सामान चाहिए पूजा का, जैसे पूजा का वो सामान चाहिए जैसे फल और फूल ये सब, फ्लावर्स वगैरह जो चाहिए वो आज लेंगे हम, तो वो लेने आए हैं। और लवी मुझे ना कल के लिए वो कुछ और सामान चाहिए, तो गाइज हम वो लेने आए हैं अभी। तो मम्मी तो घर पे है क्योंकि गणपति पापा को अकेले नहीं छोड़ सकते, मम्मी है घर पे और वो बहुत टायर्ड भी थी। अब वैसे तो हमने उनको बोला था कि मार्केट घूमना था लवी के साथ, जब वो टायर्ड ही थी वो कहती नहीं। तो कुछ लोग तो आज ही सारा कुछ कर लेते, पता नहीं कैसे कर लेते, एक दिन में कैसे हो जाता है यार पता नहीं। इनका भी अच्छा है टेबल के साथ, है ना, पीछे डेकोरेट भी है। हाँ पीछे डेकोरेट है, फूल आ रहे बहुत, कल भी मैंने देखा फूल गिरते हुए जाते गिर रहे हैं। गाइज हम अभी फ्रूट्स और फ्लावर्स लेने आए हैं और थोड़े से बर्तन लिए थे हमने, तो पता नहीं लवी दिख नहीं रहा यार, आई थिंक जो फ्लावर्स ले रहा है सेलेक्ट कर रहा होगा कौन सा सबसे अच्छा है, पर सभी फ्लावर्स अच्छे हैं, वो रहा लवी मुझे मिल गया। हमारी शक्ल ही नहीं दिख रही लाइट है। हाँ जी हाँ जी, अब दिख रही है। हाँ तो गाइस जी सत श्री अकाल जी, अभी तुम बोल रहे हो, कोई बोला ही नहीं। मैं अभी बोल रहा हूँ, हेलो गाइस, सलाम नमस्ते प्यार भरी सत श्री अकाल। सॉरी यार आज पता ही है तुम्हें, मैं बिच ही हो जी सब कुछ आई बिच मुझ मिक्स मुस्ते दे देख लियो बस। बस अभी एक चीज रह गई है हमारी। क्या चीज? वो तुम्हारी लाइट, जो तुम्हें लाइट और हाँ वो दूध भी ले जाना है। तो गाइज हमने अभी मिठाई सब ले ली है और क्या लिया है बारे को। तो गाइज अभी हम लोग अभी लाइट्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो ये लाइट लेके आए ना मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी कि क्या लाइट लिए लेके आया। बेइज्जती करेगी, इंसल्ट करेगी यार मेरी, देख लो यार। ना जन्नू ऐसा ना, मैं तेरे पैर टच कर देना। मैं तुझे बख्शूंगी नहीं, लाइट बंद करने का टाइम नहीं आ रहा है। चल फिर मैंने बोल दिया। गाइस आप लोगों को ये बोलना था, अभी लवी गया है दूध लेने और जो हमारे कपड़े थे प्रेस के लिए दिए थे तो वो लेने। और पता क्या, यहाँ पे ना हमारे जहाँ पे हमें अभी लाइट्स देखने आए थे तो उसके पास ना वही पुराने टाइप के लाइट्स थे, जो लाइट ही नहीं आ रहा है उसमें। और हमारा मंडप कितना बड़ा है तो उस हिसाब से हमें लाइट्स भी थोड़े से बड़े चाहिए। जो पुराने लाइट्स है वो मतलब हमने लगा के देखे तो वो ठीक अच्छी तरह से रोशनी नहीं आ रही है, बाकी हम पहले देख के आते हैं कहीं और। ये लो आके ना, ये इसको कोई कमी लग रही है। नहीं यार वो रोशनी नहीं आ रही, मतलब इस तरह से ना अगर वो लाइट ना, थोड़ा सा टांग लो ना ऊपर से, ऊपर जाके थोड़ा पीछे जाओ ना और ऊपर तक जाओ ना, जैसा जहाँ बेल है ले जाओ ना इसको ऊपर तक। हाँ जिनू हाँ, यहाँ ऊपर थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ, ये तो बैक फिर फ्रंट पे तो बप्पा ही आ गए ना। क्या रोशनी गाइस हम देख लो, हमें अभी बाकी ना चेंज नहीं किया, मम्मी को टाइम से उनको खाना दे दिया, डिनर कर लिया उन्होंने और मैं और जिनू फुलके बना रहे हैं अपने लिए, बना के रखते हैं। अभी हमारे थोड़े से और काम अब कर लेते हैं,
आज तो पूरा दिन भागम दाड़ ही है बस का है ना, और थोड़े से काम रहेगा वो करके ना, फिर उसके बाद हम आके रोटी आराम से खा लेंगे, डिनर कर लेंगे। अभी जेनू बना के रख गई, मम्मी ने खा लिया, डिनर कर लिया, बहुत अच्छे से मम्मी से मनाऊंगा। अभी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है यार। लाइट की दुकान, और हम लोग दो तीन दुकान ऑलरेडी जा चुके हैं, बट अभी लाइट लेने आए हैं। देखिए ये देखिए। तो गाइज हम लोगों को जल्दी उठना है, 12 बज चुके हैं, फिर भी हम अभी नहीं सोएंगे, हम सोएंगे 1 बजे तक, क्योंकि हमें बहुत सारा काम है अभी। ठीक है, सुधा बोलना, कटिंग करना है तुम्हें ड्राई फ्रूट्स? हाँ इसको कटिंग करना है गाइज, हमें ड्राई फ्रूट्स कटिंग करने आप फिर से। हाँ, क्योंकि सुबह उनका प्रसाद बनाना है पापा जी का, तो इसलिए मैं कहा चल जितना टाइम लगता है लगने दे, अब जितना थकना थक लेते हैं। जो उनकी सेवा करके जो खुशी मिलती है ना, वो अलग ही खुशी होती है। तो ये हर किसी को मौका नहीं मिलता, जिस जिसको मौका मिला वो बहुत कर्मों वाले और बहुत नसीबों वाले इंसान होते हैं, जिनको पापा जी की सेवा करने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे हाँ ये बात तो सही है, बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ। लवी का फैमिली का प्लान था आने का, ये 1 महीने से चल रहा था, पूरी फैमिली आने वाली थी, बट एट अ टाइम इतना सब कुछ उनके घर में बता वो बाद में। हाँ गाइज, वो तो सारा स्टोरी हम आपको बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल आपको जो जितनी जानकारी दे पा रहे हैं हम दे रहे हैं। तो टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड शक्कर पारे गाइज। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बाय, गुड नाइट। Good night, guys.